आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैच फंक्शंस। ओके, मैच फंक्शंस क्या होते हैं गाइस? ये किसी भी डेटा को आप चूज करते हैं, उस डेटा का पर्टिकुलर नंबर बताता है कि आप किस नंबर को यूज कर रहे हैं। किसी भी रिकॉर्ड को नंबर चेक करके बता देता है कि वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड किस नंबर पर है। ओके, इसमें अलग अलग टाइप्स हैं गाइस, वो हम अलग अलग टाइप सारे सीखेंगे कि किस टाइप से ये काम करता है मैच फंक्शन और किस तरीके से यूज होगा ये। ओके गाइस, हाँ गाइज, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। उसी के पास एक बेल आइकन है जिसे आप प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको कोई भी नोटिफिकेशन हैं जल्दी से जल्दी आपको मिल जाएंगे। गाइज, हमारा फेसबुक पेज भी है, आप हमारे फेसबुक पेज पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। चलिए गाइज, हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक मैच। गाइज, मैच फंक्शन पहले मैं थोड़ा एग्जाम्पल दिखा देती हूँ, फिर हम इसमें करेंगे। गाइज, मैच फंक्शन क्या होता है कि जैसे मेरे पास डेटा है, ये अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डेटा यूज करता है कि आपका डेटा असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग ऑर्डर में है। अगर मेरा डेटा असेंडिंग ऑर्डर में है और मैं किसी भी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को चेक करना चाहती हूँ लेकिन वो रिकॉर्ड मेरे लिस्ट में है नहीं, तो ये क्या करता है गाइज? तो ये क्या करता है गाइज, आपका जो फर्स्ट लोएस्ट वैल्यू को सर्च कराता है। मतलब कि अगर मैं चेक करना चाहती हूँ अपने डेटा में से कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू, बट वो मेरे डेटा में है नहीं। कई बार हम देखते हैं ना, हमारे डेटा में वैल्यू नहीं है तो हम उसके अकॉर्डिंग कोई अप्रोप्रिएट मैच ले लेते हैं, मैच ले लेते हैं, या उसी से फर्स्ट मैच या फिर लास्ट मैच ले लेते हैं। तो ये इस तरीके से काम करता है। देखिए गाइस, मैं इधर बता रही हूँ, अब यहाँ पर है गाइस, अगर मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूला चेक कराऊँ या फिर मैं यहाँ पे निकालू एक फॉर्मूला, इस साइड निकालते हैं गाइस। देखिए, मैंने यहाँ पे मैच का फंक्शन लगाया, मैच गाइस, ये मैच लगा दिया और मैच में मैंने ये रिकॉर्ड में चेक कर लिया कि मुझे ये वाले जो मेरा रिकॉर्ड है इसका नंबर बताइए क्या है। ओके, और इसी डेटा को मैंने चूज कर लिया। ठीक है गाइस, मैंने हेडिंग नहीं सिलेक्ट की है, ऑप्शन है, आप हेडिंग सिलेक्ट करेंगे तो वो हेडिंग से काउंट करना स्टार्ट कर देगा। ओके, और ब्रैकेट क्लोज एंटर कर दिया। देखिए गाइस, इसने दिखा दिया मुझे ये थर्ड नंबर पर है रिकॉर्ड आपका। मैंने ये वाला रिकॉर्ड चूज किया था A8, और A8 कहाँ लिखा गाइस, यहाँ पर है 1, 2, 3, तो उसने 3 नंबर पे चेक करा दिया। चलिए गाइस, ठीक है, इस फॉर्मूले में कोई वो नहीं है गाइस, चाहे तो आपका डेटा असेंडिंग हो या डिसेंडिंग हो, इससे कोई मैटर नहीं है। बट अगर आपका डेटा शॉर्टेड है असेंडिंग ऑर्डर में, देखिए गाइस, मैंने ये सारा डेटा शॉर्ट कर रखा है, ठीक है, ये असेंडिंग ऑर्डर में है और अब आप इधर मैच यूज करते हैं। देखिए गाइस, मैंने लगाया मैच। ओके, अब मैं कोई ऐसी वैल्यू लिखूंगी जो लिस्ट में है नहीं लेकिन फिर भी ये आंसर दिखाएगा गाइस। ओके, मैंने यहाँ पे लिखा 105 और यहाँ पे मैंने लिख दिया 64। ठीक है, देखिए 64 इस लिस्ट में है नहीं। ओके सॉरी गाइस, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 1, मैंने यहाँ पे लिखा 105 6 ओके कॉमा। अब इस वैल्यू को मुझे क्या करना है, इस एरिया में चेक करना है गाइस, ये मेरा एरिया ले लिया, असेंडिंग में है डेटा गाइस। ओके, और यहाँ पे देखिए गाइस, तीन चीजें दिखा रहा है। अगर मैं 1 लेती हूँ तो ये क्या करेगा, लेस देन वैल्यू में जाएगा, यानी कि लेस देन पे लेके जाएगा इस वैल्यू को। अगर मैं -1 लेती हूँ तो ये ग्रेटर देन में लेके जाएगा। अगर मैं 0 लेती हूँ तो गाइस ये एग्जैक्ट मैच दिखाएगा, ठीक है ना। तो अभी मैं यहाँ पे 1 लगाती हूँ तो देखिए गाइस, जो मैंने वैल्यू लिखी हुई है 10564, ये इस लिस्ट में नहीं है। अब मैं इसको कर रही हूँ ब्रैकेट बंद। ओके, अब एंटर किया, देखिए गाइस, फर्स्ट लिखाया। फर्स्ट दिखाने का मतलब क्या है गाइस, 64 है तो ये फर्स्ट लेस देन वैल्यू बोली थी अभी इसने। तो अगर आप 1 लगाते हैं तो ये लेस देन पे जाएगा। लेस देन क्या है, इससे इस वैल्यू से छोटी वैल्यू कौन सी है गाइस, इसमें 10560, ये क्या है, लेस देन वैल्यू है। तो इसलिए क्या दिखाया, 1 नंबर दिखाया कि जो आपने वैल्यू चूज की है उसी की लेस देन वैल्यू क्या है इसमें, ये वाली है, तो इसने ये चेक करा दिया गाइस। चलिए गाइस, अब हम इसमें देखते हैं दूसरी वैल्यू में क्या है गाइस। अब मेरा डेटा यहाँ पे गाइस डिसेंडिंग ऑर्डर में है, आप देखिए यहाँ पे ये मेरा डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा जा रहा है और यहाँ पर भी गाइस ये डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा है। ओके, तो अब मैं यहाँ से डिसेंडिंग ऑर्डर का ही डेटा चूज कर रही हूँ। अगर गाइस मैंने यहाँ पे चूज किया, ये लगा दिया मैंने, ओके, और अब यहाँ पे हम लगा रहे मैच, मैंने इधर लगाया मैच। ओके, ठीक है, मैच लग गया। अब यहाँ पे फिर मैं कोई वैल्यू ऐसे लिख रही हूँ जो इस लिस्ट में नहीं है। अब मैंने यहाँ पे वैल्यू 1 लिखी गाइस,
10542। ओके, ये वैल्यू मेरी इस लिस्ट में, सॉरी 42 नहीं गाइस, हम 42 लिखा गाइस मैंने, ठीक है ना, 42 लिखा मैंने। अब ये वैल्यू इस लिस्ट में नहीं है गाइस। ओके, मैंने इस वैल्यू को चेक करवा रही हूँ यहाँ पर गाइस। अगर आप 1 लगाते हैं तो आपका डेटा असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, अगर आप -1 लगाते हैं तो आपका डेटा डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, ये तभी फाइंड आउट कराएगा। तो मैंने इधर -1 लगा दिया, देखिए गाइस अभी ये वैल्यू मेरी क्या है गाइस, 42 है। अभी -1 लगाने का मीन्स क्या है, ये ग्रेटर देन वैल्यू पे लेके जाएगा। अब 42 के बाद पहली ग्रेटर देन वैल्यू क्या है गाइस, इसमें 45। अब देखिए 45 थर्ड नंबर पर है। ओके, रिजल्ट ये थर्ड देगा। ओके गाइस, तो ये इस तरीके से काम करेगा। और गाइस इधर 0 अगर हम लगाते हैं तो वो एग्जैक्ट मैच के लिए होता है। एग्जैक्ट मैच मतलब कि जो वैल्यू आपके पास लिखी है आप उसी का नंबर चेक कर सकते हैं। अब जैसे मैंने 50 चूज कर लिया, अब यहाँ पे 50 का ही मुझे नंबर चेक करना है, जो वैल्यू लिस्ट में है उसे एग्जैक्ट बताएगा, अगर लिस्ट में वैल्यू नहीं है तो वो उसे नहीं दिखाएगा। 0 लगा दिया, ये एग्जैक्ट मैच के लिए होता है। देखिए गाइस इसने एग्जैक्ट भी बता दिया, 50 आपका जो नंबर है वो 2 पर है। इसके लिए गाइस कोई ऑर्डर की जरूरत नहीं है, चाहे तो आपका डेटा असेंडिंग ऑर्डर में हो, चाहे वो डिसेंडिंग ऑर्डर में, किसी भी ऑर्डर में हो, ये एग्जैक्ट मैच दिखाएगा आपको। ओके गाइस, चलिए गाइस ये तो सिंगल वैल्यू के लिए था, कोई भी यूनिक वैल्यू है अगर आपके पास तो उसको फाइंड आउट करेगा। बट गाइस अगर आपकी कोई भी रिपीटेड वैल्यू है लिस्ट, तो हम रिपीटेड वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए गाइस इसमें भी आपका 1, -1, 0 ये वर्क करते हैं। ओके गाइस, अगर आपकी डेटा, आपके डेटा में कोई भी रिपीटेड वैल्यू है, अगर हम चूज करते हैं यहाँ पे गाइस, देखिए अगर मैंने यहाँ पे चूज किया, देखिए मैं इधर मैच लगा रही हूँ। ओके, मैच लगा दिया हमने, ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया। अब मैंने यहाँ पे एक वैल्यू लिख दी, इसमें गाइस रिपीटेड इमली है, इसको मैंने डाल दिया। ओके, मैंने कोई ऐसा रेफरेंस नहीं लिखा गाइस, मैंने सिर्फ इसको सॉरी गाइस, इधर इन्वर्टेड कॉमा लगाया और इधर नाम लिख दिया इसमें जो लिस्ट में है मेरे पास। ओके, मैं इसको इस लिस्ट में चेक करना चाहूंगी इस लिस्ट में कहां पर है। देखिए गाइस ने 2 दिखाया, 2 क्यों दिखाया गाइस, जबकि फर्स्ट नंबर पर भी है नाम को, बट फिर भी इसने 2 दिखा दिया, क्यों, क्योंकि मैंने इसको कोई मैच दिया ही नहीं है कि इसे किस मैच को मैच कराएगा ये। अब देखिए गाइस हम इसमें लगाते हैं मैच। ओके, अब मैंने इसमें लगा दिया मैच फंक्शन लगाया हमने, और इक्वल डेटा गाइस असेंडिंग ऑर्डर में है, यानी कि यहाँ पे मैं 1 यूज करूंगी। ओके, और यहाँ पे मैंने इसको डाल दिया। ओके, और अब मैंने क्या है इसको इस डेटा में से फाइंड आउट करवाइए कहाँ पर है। ओके, फाइंड करा देगा, और मैंने इसको मैच में दे दिया 1, ये क्या करा देगा, यानी कि अगर आप 1 लगाते हैं गाइस, अगर आप कोई मैच नहीं देते तभी भी ये क्या करेगा, सेकंड वाली मैच को लेगा। देखिए सेकंड वाली, फर्स्ट वाली को नहीं दिखाया इसने, इसने दिखाया सेकंड वैल्यू को, यानी कि अगर आपका डेटा असेंडिंग ऑर्डर में है और कोई रिपीटेड वैल्यू है, रिपीटेड डेटा है, तो ये अगर 1 लगाते हैं आप, तो ये क्या करेगा, सेकंड वाली वैल्यू को शो करके दिखाएगा आपको। ओके गाइस, और ऐसे ही अगर आप यहाँ पे यूज करते हैं, मैंने यहाँ पे लगाया मैच। ओके गाइस, और यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे मैंने इधर से ले लिया स्मिथ, ले लिया स्मिथ भी रिपीटेड है गाइस, और यहाँ पे कॉमा लगाया, मैंने ये डेटा चूज कर लिया, और यहाँ पे मैंने लगा दिया -1। ओके गाइस, ये -1 लगा दिया मैंने यहाँ पे। देखिए गाइस यहाँ पे इसने सेकंड को ले लिया, यानी कि वो सेकंड को ले रहा है रिपीटेड वैल्यू में गाइस, ये हर बार क्या करेगा, सेकंड वैल्यू को ही लेगा, चाहे तो आप इसमें मैच लगाइए, आप 1 लगाइए, -1 लगाइए, या 0 लगाइए, ठीक है ना। 0 जो होता है वो एग्जैक्ट मैच के लिए दिखा देता है, क्योंकि वहां पे हम रेफरेंस चूज करते हैं, इसलिए वो एग्जैक्ट मैच दिखा देते हैं कि एग्जैक्ट मैच क्या है,
यहाँ पे हमने निकाल लिया मैच, ओके ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया। अगर हम रेफरेंस चूज करते हैं कि ये वाला रेफरेंस मुझे चेक करना है या इसे हम नहीं चूज करते, हम यहाँ से ये वैल्यू चूज कर लेते हैं, लाइक मैंने 26 ले लिया, ओके और फिर यहाँ पर हमने इसे सिलेक्ट कर लिया। तो देखिए गाइस, इसने पहली वैल्यू ली। इसने अगर मैं इधर जीरो लगा देती हूँ तो उसे एग्जैक्ट वैल्यू मिलनी चाहिए, मैंने इसे जीरो लगा दिया गाइस, ओके। तो देखिए पहली वैल्यू दिखा रहा है, यानी कि वो पहले उसे मिल जाएगा डेटा, जबकि रेफरेंस में मैंने यहाँ पे इसे क्या दिया हुआ है, 26,000 दिया हुआ था ये वाला रेफरेंस, ठीक है ना। लेकिन मैंने इसे वन जीरो लगा दिया तो इसने क्या करा, पहले ही रिकॉर्ड में उसको मिल गया डेटा, उसे पहले ही मिल गया। तो इसने क्या करा गाइस, इसने पहले ही दिखा दिया कि भाई वन नंबर पर है आपका डेटा, ओके। तो इस टाइप से गाइस हम मैच फंक्शन लगाते हैं, इस टाइप से हम मैच फंक्शन यूज करते हैं। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर और लाइक कर सकते हैं।